नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति राज्य की राजधानी गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखेंगे। लोकसभा में गुरुवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा सदन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा गुरुवार को भी जारी रहेगी। इसके अलावा सदन में श्रम व रोजगार मंत्रालय के कार्यों पर भी चर्चा होगी। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया आज राजधानी दिल्ली में विश्व तपेदिक दिवस पर स्टेप अप टू एंड टीबी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में मनरेगा के तहत प्रोजेक्ट उन्नति के 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की 61वीं बैठक में मुख्य अतिथि होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से आज से 27 मार्च तक हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 शुरू होगा। एविएशन उद्योग के लिए ये एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। विंग्स इंडिया 2022 का विषय इंडिया एट 75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज है। 125 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शकों ने भागीदारी की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला उद्यमियों को प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मिलने का कार्यक्रम है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बतौर मुख्यमंत्री मान की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नवगठित उत्तराखंड सरकार राज्य विधानमंडल में आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। आज लखनऊ में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होंगे। नवगठित मणिपुर विधानसभा का ये पहला विधानसभा सत्र होगा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। बुधवार को एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि इस जघन्य वारदात के दोषियों को राज्य सरकार सख्त सजा दिलाएगी। उधर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वीरभूम सामूहिक हत्या मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से मामले की जांच रिपोर्ट और केस डायरी अदालत में पेश करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि CFSL दिल्ली की एक टीम तुरंत घटना स्थल जाकर सबूतों को एकत्र करे, साथ ही हर गवाह की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने को कहा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राजनीतिक आरोप लगाया था, जिसके जवाब में हुए बुधवार को राज्यपाल ने 3 पन्नों का पत्र लिखकर उनके रवैये को असली अपराधियों को बचाने का जरिया बताया। धनखड़ ने अपने पत्र में राज्य सरकार की SIT पर भी सवाल खड़े किए। धनखड़ ने पत्र में लिखा कि राजनीतिक भाषा में नहीं बल्कि ममता बोल रही है। भाजपा ने TMC पर अपने ही लोगों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अराजक स्थिति है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र उपाय है। भाजपा की 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति आज बीरभूम में घटनास्थल का दौरा करने पहुंचेगी। इस समिति में 4 सांसद शामिल हैं। ये टीम भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को विस्तृत रिपोर्ट देगी।
बुधवार को सिलीगुड़ी में भाजपा की तरफ से रैली निकाली गई। रैली में लोगों ने पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया में आई खबरों के आधार पर हिंसा के इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर वीरभूम में प्रभावित महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीरभूम के रामपुरहाट की घटना पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने तुरंत ओसी एसडीपीओ को बर्खास्त किया है। ममता आज रामपुरहाट पर घटनास्थल का दौरा करेंगी। सोमवार रात को रामपुरहाट स्थित बोगतुई गांव के करीब 10 घरों में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है। पूरे इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा 15 मिनट के लिए तो राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में 12 बजे के बाद प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। दोपहर बाद जम्मू कश्मीर बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली में तेजी तो आई ही है, निवेश और रोजगार भी काफी बढ़ा है। इससे पहले राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि देश का शिक्षा बजट पहली बार 1,00,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। हे गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा में नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। उन्होंने एयर इंडिया का खराब हालत के लिए यूपीए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में एयरपोर्ट की संख्या को दोगुना किया जा चुका है और वर्ष 2025 तक इस आंकड़े को 220 तक ले जाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दुनिया में कहीं भी जब भारतीयों पर संकट आया तब पीएम मोदी के नेतृत्व में उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की गई है। राज्यसभा में दोपहर बाद रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। मौजूदा सत्र में संसद के दोनों सदनों में खूब कामकाज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन खाने पीने और आवश्यक चीजों के दाम नियंत्रण में रहें, इसके लिए सरकार ने हमेशा प्रयास किया है। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 50 लाख से अधिक बच्चों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 181,89,00,000 से ज्यादा कोविड टीके लगे। बीते दिन देश भर में 30,53,897 कोविड टीके लगाए गए। NDMA ने कोविड-19 रोकथाम और बचाव के कानून को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 31 मार्च के बाद आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान लागू करने संबंधी आदेश जारी नहीं होंगे। कोरोना प्रबंधन के लिए 24 मार्च 2020 से ये कानून प्रभावी थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय ने कोविड के रोकथाम उपायों के लिए लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि फेस मास्क के इस्तेमाल सहित कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह जारी रहेगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। बुधवार को कोरोना संक्रमण के 1,778 नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। अब देश में कोरोना से रिकवरी दर 98.75% हो गई है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिनमें
उनके खिलाफ विभिन्न प्राथमिकी की जांच पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट आज उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। उमर खालिद उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में साजिश करने का आरोपी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टीपीजी द्वारा बीजेबीज लॉजिस्टिक्स में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की। नारायण राणे ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद एनटीएसी ने नई दिल्ली में अपनी दूसरी बैठक की। इसमें परिषद ने चालू और प्रस्तावित स्वदेशीकरण व नवाचार मामलों की समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के आयोजन की तैयारी पर चर्चा करने के लिए दूसरी अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया और IDY 2022 के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने मंत्रालय की ओर से की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी और इसकी आउटरीच बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार नेटवर्क विशेष रूप से 5G के लिए बिजली के खंभों और बस स्टॉप के इस्तेमाल की संभावना पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। आयकर विभाग ने कर वंचना के मामले में देश के अग्रणी दोपहिया विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प के कई परिसरों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हीरो मोटोकॉर्प समूह के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन मुंजाल और अन्य प्रवर्तकों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों पर छापे मारे गए। आवासीय ऋण मुहैया कराने वाली कंपनी SDFC ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के खुदरा आवासीय ऋणों की मंजूरी दी है, जो उसका सर्वाधिक स्तर है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। लिमिट में गुड्डी, आज मेरा बर्थडे, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान। लो बढ़ गई कार्ड लिमिट, तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो RBI के ओम्बडसमैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप डिजिटल बैंकिंग का पार्ट। लो इधर भी लिमिट। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। यामाहा मोटर के साझा मोबिलिटी मंच मोटो बिजनेस सर्विस इंडिया MBSI ने वाहन सेवा फर्म मालबोर्क टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी कर चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खंड में कदम रखा है। इंटरनेट कॉमर्स कंपनी मीशो ने देश में छोटे व्यवसायों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत क्रेता और विक्रेताओं के लिए एक एकीकृत ई कॉमर्स मोबाइल ऐप पेश करने की घोषणा की। रूस यूक्रेन हिंसा के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रुसेल्स पहुंच गए हैं। वो नेटो संगठन के 29 सहयोगियों से मुलाकात करेंगे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ब्रुसेल्स में ही यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के नेताओं से बाइडेन की वार्ता होगी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने बताया है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में राष्ट्रपति बाइडेन वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों से भी मिलेंगे। साथ ही पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक और बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थियों के आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 पर दिए बयान ने नई बहस छेड़ दी है। जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस बात पर विचार करेंगे कि रूस को G20 का सदस्य बने रहना चाहिए या नहीं।
जकार्ता में रूस की राजदूत ने रूस को G20 से प्रतिबंधित करने के कुछ सदस्य देशों के सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने का इरादा रखते हैं। यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर बेलारूस की सेनाओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। यूक्रेन और पोलैंड की सीमाएं मिलती हैं, इससे नेटो सदस्य पोलैंड की सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पोलैंड की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। नेटो ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया है कि यदि रूस की ओर से न्यूक्लियर हमला होता है तो वो जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगा और ऐसे हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने महानिदेशक ने कहा कि यूक्रेन के परमाणु सुविधाओं का बचाव और सुरक्षा के बारे में हम गंभीर रूप से चिंतित हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को हिंसा को रोकने का आह्वान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण लोगों के खिलाफ आतंकी हरकतें जारी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन पर हिंसा थोपने के लिए रूस की सेना की कड़ी निंदा करते हुए उसे दोषी ठहराया है। उन्होंने यूक्रेन में आवासीय बस्तियों, अस्पतालों और शॉपिंग मॉल पर बमबारी को अन्यायपूर्ण बताया। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने कहा है कि हम यूक्रेन को जल्द ही जमीन से हवा में मार करने वाली स्ट्रेला मिसाइल उपलब्ध कराएंगे। रूसी पत्रकार ओक्साना बोलिना की रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में एक आवासीय इलाके के पड़ोस में की गई गोलीबारी में मौत हो गई। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 6000 मिसाइल देने का फैसला किया है। यूक्रेन के सैनिकों और पायलट को ब्रिटेन $4 करोड़ की मदद देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में संघर्ष को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ फोन पर बात की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक रूसी प्रस्ताव विफल हो गया। इसमें यूक्रेन में बढ़ती मानवीय जरूरतों को स्वीकार किया गया था। रूस द्वारा मसौदा प्रस्ताव को सीरिया, उत्तर कोरिया और बेलारूस द्वारा UNSC में पेश किया गया था। रूस और चीन ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। किसी भी देश ने इसके खिलाफ मतदान नहीं किया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर और न्यूयॉर्क में यूक्रेन के वाणिज्य दूतावास जनरल ने न्यूयॉर्क के बॉलिंग ग्रीन पार्क में अमेरिका और यूक्रेन के ध्वज को फहराया। दोनों देशों के ध्वज को फहराने का मकसद अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करना है। हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सीन पेन ने अमेरिका के लोगों से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। सीन पेन ने क्राको में एक संवाददाता सम्मेलन में वैश्विक आपदा राहत NGO कोर के साथ पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों की सहायता करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि यह समय मानव जाति के लिए बदलाव का है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ने लंदन में एक छोटे से समारोह में ब्रिटिश जेल में अपनी वकील स्टेला मॉरिस से शादी कर ली। अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट का बुधवार को निधन हो गया। 84 वर्षीय मैडलिन कैंसर से पीड़ित थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने अफगानिस्तान में छठी से ऊपर की छात्राओं को स्कूल जाने से रोकने पर तालिबान की निंदा की है। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि छात्राओं को शिक्षा से दूर करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। पराग्वे में बाढ़ के कहर से सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना से अब तक 47,58,00,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 8,15,00,000 से अधिक है। फ्रांस में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,48,00,000 से ज्यादा हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए दक्षिण अफ्रीका जाकर पहली बार वनडे सीरीज जीत ली है। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की है।
ये पहला मौका है जब बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीती है। इस दौरे से पहले दक्षिण अफ्रीका में टीम ने कोई मुकाबला नहीं जीता था, उसे सभी 19 मैच में हार मिली थी। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर वन ऑलराउंडर की कुर्सी फिर से हासिल की है। जेसन होल्डर को पीछे छोड़ते हुए वो नंबर वन बन गए हैं। आईसीसी ने एक दिवसीय ऑलराउंडर्स की रैंकिंग जारी की है। वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली 811 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है। एक दिवसीय रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम ने शीर्ष स्थान पर कब्जा बरकरार रखा है। बाबर के 873 अंक हैं। वहीं गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के ट्रेट बोल्ट 737 अंक के साथ शीर्ष पर मजबूती से डटे हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। भारतीय धावक अविनाश साबले ने इंडियन ग्रैंड प्री 2 एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जी सैंथियान और मनिका बत्रा की जोड़ी WTT कंटेंडर के मिश्रित युगल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन में आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने डेनमार्क की लाइन होजमार्क को सीधे गेम में 21-14, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला एकल में ही साइना नेहवाल ने आसान जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। साइना ने फ्रांस की याइले होयाऊ को 31 मिनट तक चले मुकाबले में 21-8, 21-13 से मात दी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत ने भी पहले दौर की बाधा आसान जीत के साथ पार कर ली है। श्रीकांत ने मैट्स क्रिस्टोफरसेन को सीधे गेम में 21-16, 21-17 से हराया। पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को पहले दौर में जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। भारतीय जोड़ी ने ऑल इंग्लैंड चैंपियन मोहम्मद शोएबुल फिक्री और बागास मौलाना को 17-21, 21-11, 21-18 से मात दी। बहरीन ने दोस्ताना फुटबॉल मैच में भारत को 2-1 से हरा दिया है। फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई करने के उद्देश्य से आज पुर्तगाल का सामना प्लेऑफ सेमीफाइनल में तुर्की के साथ होगा। विजेता टीम 29 मार्च को विश्व कप प्लेऑफ फाइनल खेलेगी। एक अन्य प्लेऑफ सेमीफाइनल में यूरो चैंपियन इटली के सामने होगी उत्तरी मैसिडोनिया की टीम। 4 साल पहले रूस में हुए विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इटली की टीम। फिल्म ब्रह्मास्त्र के तीसरे सेट की शूटिंग वाराणसी में शुरू हो गई है। फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं। अभिषेक बच्चन और यामी गौतम की फिल्म दसवीं का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा वीर सावरकर की बायोपिक में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग जून 2022 में शुरू होगी। मिर्जापुर दिल्ली क्राइम और मंटो में अपने काम के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने अपनी अपकमिंग फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली की शूटिंग पूरी की है। फिल्म RRR 25 मार्च को दुनिया भर में फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में रामचरण और एंटी रामा राव जूनियर के अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट भी अहम रोल में नजर आएंगे। सामंथा और विजय देवरकोंडा को एक नई फिल्म में साथ देखा जाएगा। फिल्म कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। क्रिकेटर प्रवीण तांबे की बायोपिक फिल्म कौन प्रवीण तांबे का नया प्रोमो जारी हो गया है। फिल्म 1 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। नए प्रोमो में प्रवीण तांबे बता रहे हैं कि कैसे वो अपने सपने के पीछे डटे रहे, तमाम मुश्किलें आई मगर हिम्मत नहीं छोड़ी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।